सिरसा जिला में आज पोलिंग पार्टीज के डिस्पैच का कार्यक्रम चल रहा है। पांचों विधानसभा का जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके एआरओ अपने अपने पोलिंग पार्टीज़ को डिस्पैच कर रहे हैं, और सिरसा हेडक्वार्टर में 4 पोलिंग पार्टी डिस्पैच का कार्यक्रम है। डव्वाली का कार्यक्रम डव्वाली एआरओ डव्वाली में ही चला रहे हैं, हालांकि कलेक्शन सेंटर उनका भी यहीं है, काउंटिंग यहीं पर होनी है। 994 हमारे ज़िले में बूथ हैं, जिसमें से हमने सभी बूथ जो सेंसिटिव हैं, हाइपर सेंसिटिव हैं या क्रिटिकल हैं, वहाँ पे माइक्रो ऑब्जर्वर की भी तैनाती करी गई है। वेब कास्टिंग का 60 बूथ हमने चुने हैं, 60 बूथ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी 12 बूथ चुने गए हैं, उन पे वेब कास्टिंग कराई जाएगी और हमारे वीडियोग्राफर भी उपलब्ध रहेंगे। तो कोई भी बूथ ऐसा नहीं है जहाँ पर माइक्रो ऑब्जर्वर या वेब कास्टिंग या वीडियोग्राफी ना हो। झारखंड आर्म्ड पुलिस हमारे पास सफिशिएंट अवेलेबल है, एसपी साहब ने पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव क्रिटिकल बूथ में हमारी विशेष नज़र बनी रहेगी। पूर्णतया से जो चुनाव है बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से कराया जाएगा। सर, बॉर्डर पर देखें तो पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर थे, बॉर्डर पर किस तरह के डाके वगैरह क्या तैयार किए? जहाँ तक बॉर्डर का संबंध है तो हमने इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन और इंट्रा स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हमने कर ली है। पंजाब वालों से हमारा टाई अप हो चुका है, पंजाब की एक कंपनी भी हमारे पास उपलब्ध है जो कि हमारे लिए भेजी गई है पंजाब आर्म्ड पुलिस की। और राजस्थान के चुनाव हो चुके हैं, राजस्थान को 5 तारीख को हमने पूरा सहयोग दिया था। इसी प्रकार पंजाब के चुनाव अगले सप्ताह में हैं, अगले रविवार को हैं, तो वो हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। जो नाकाबंदी है वो पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा पूर्णतया कर दी गई है और ड्यूटी मजिस्ट्रेट हर जगह तैनात कर दिए गए हैं। धारा 144 लगा दी गई है और 48 घंटे जो शुरू हो चुके हैं कल शाम 6 बजे से, जिसमें के जो चुनाव प्रचार है वो भी बंद हो गया है, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनको भी आदेश कर दिए गए हैं कि वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी, हमारा ज़िला छोड़ करके चले जाएँ।